सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते और पंजाबी माफ़ कर देते हैं। हमारे पहले दुश्मन कांग्रेस और अकाली बीजेपी हैं। भगवंत मान क्योंकि वो जमीर से गिर गया। कांग्रेस ते बीजेपी साडे पहले दुश्मन ने, यह कहना है पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस दे संगरूर तो उम्मीदवार जस्सी जसराज दा। अमृतसर विखे पहुंचे जस्सी जसराज ने कहा कि भगवंत मान अपनी जमीर तो डिग चुका है। उन्हें कहा भगवंत मान नु मैं इस लड़ाई विच नहीं गिनदा। जस्सी जसराज ने कहा कि मान नु पंजाब दे लोकां नाल गदारी करन लई माफी मंगनी चाहीदी है। हमारे पहले दुश्मन कांग्रेस और अकाली बीजेपी हैं। भगवंत मान क्योंकि वो जमीर से गिर गया तो उसको हम लड़ाई में गिनते नहीं हैं, पर यस क्योंकि ताज़ा ताज़ा गिरा है। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते और पंजाबी माफ़ कर देते हैं। अगर उनके आका जिनको वो कहते हैं हाई कमांड, दिल्ली को भगवंत मान, केजरीवाल को हाई कमांड कहते हैं, हम कहते हैं भाई साहब भगवंत मान गलतफहमी में हो, हाई कमांड दरबार साहब है, अमृतसर है, वहाँ आइए, सरोवर में नहा के स्नान कर कर अपनी माता के साथ आकर माफ़ी मांगो के 2017 में जो इंकलाब, जो एक क्रांति का कत्ल हुआ है उसमें आप जिम्मेवार थे, जो करोड़ों रुपए एनआरआईयों के आए थे उसका फंड केजरीवाल, संजय दुर्गेश और चुरंजा ऑब्जर्वर, जो 54 ऑब्जर्वर दिल्ली से आए थे, वो हड़प गए हैं। आप मानो के आपसे गद्दारी हो गई, यही कह दो कि जाने अनजाने में गद्दारी हो गई, लालच में हो गई। भाई साहब भगवंत मान ये कह दे कि भाई साहब सीएम की कुर्सी के लालच में मैंने अपने भाइयों को मारा है जी, तो लोग शायद उसको माफ़ कर देंगे। और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, उसको वहाँ पे भी कह के आया हूँ कि संगरूर में लोग कह रहे हैं कि दो कलाकार लड़ेंगे, मैं कहता भाई साहब एक जमीर और बेजमीरे की लड़ाई होगी, हम जमीर पे खड़े हैं, तुम बेजमीरे हो गए हो, हम फिर भी तुम्हें कहते हैं तुम लड़ो इलेक्शन, तुम्हें जिताने का जिम्मा हमारा होगा, किंतु शर्त ये है कि वहां से माफी मांग लो कि आपने गद्दारी की थी। दस दी कि जस्सी जसराज ने भगवंत मान ते निशाने साध्या के है कि ए लड़ाई दो कलाकारां दी नहीं बल्कि एक जमीर अते बेजमीरे दी लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन पंजाब टीवी।